राजभर की करीबी को पुलिस ने उठाया, पुलिस ने राज से पर्दा उठाया। राजभर की पार्टी के प्रदेश महासचिव का खेल, गांजा लेकर कर रहे थे सेल। अब योगी की पुलिस ने कसा शिकंजा, राजभर भी बोलने को राजी नहीं। एक तरफ ओपी राजभर बीजेपी के गुणगान में लगे हैं तो दूसरी तरफ उनके पार्टी के एक नेताजी को योगी के पुलिस ने उठा लिया। पूरे यूपी में यही चर्चा है, नेताजी कौन है और पुलिस ने ऐसे क्यों उठाया कि बकायदा कैमरे के सामने लाया गया। होलिये से तो नेताजी भी नहीं लगते, लेकिन जब खुलासा हुआ तो ओपी राजभर के करीबी निकले, लेकिन कांड ऐसा कर रहे हैं कि अब तो थूथू भी हो रही होगी, लेकिन भला कोई बोलने को राजी नहीं। लाल कपड़े में जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका ओपी राजभर की पार्टी से गहरा नाता बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा इन्होंने क्या किया कि पुलिस थाने के बाहर इनकी परेड कराई जा रही है, अगर आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नेताजी ये काम करते हैं क्या? नेताजी किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, फिर क्यों पुलिस ने थाने उठाकर ले आई? और ना ही नेताजी किसी झगड़े में शामिल, बल्कि नेताजी को इसलिए योगी की पुलिस ने उठाया क्योंकि वो तस्करी से जुड़े हैं। इसका नाम है अशोक यादव। राजभर के सुहेलदेव समाज पार्टी में प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब प्रदेश महासचिव हैं तो प्रदेश की चिंता करनी चाहिए, लेकिन नेताजी तो प्रदेश को ही नशे की लत में डुबोने में लगे हैं। राजभर के करीबी अशोक यादव की करतूत ऐसी है कि पहली बार शायद कोई नेता गांजे की तस्करी में गिरफ्तार हुआ। इस खबर के बाद जो भी कोई सुन रहा है वो हैरान है कि नेताजी तो बड़े वाले निकले, लेकिन सबसे गजब का तरीका यह है कि ओपी राजभर के करीबी बताए जाने वाले और प्रदेश सचिव अशोक तिवारी की गिरफ्तारी जबरदस्त है। पुलिस को भी नहीं पता था कि अशोक तिवारी इतनी आसानी से शिकंजे में आ जाएगा, लेकिन नेताजी ने भी अपने बचने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन भला योगी की पुलिस से कैसे बच सकते थे? दरअसल अंबेडकर नगर पुलिस पिछले कुछ दिनों से नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पुलिस को भी नहीं पता था कि राजभर की पार्टी का प्रदेश महासचिव गांजे की तस्करी करेगा। नशे के खिलाफ जारी कार्रवाई का सिलसिला चलता रहा। अचानक फिर पुलिस ने फैसला किया, क्यों ना इस बार थोड़ी चेकिंग बढ़ा दी जाए। हो सकता है शायद पुलिस को इनपुट भी मिला हो, तस्कर घुस आए हैं। अब पुलिस ने भी अपने मुस्तैदी बढ़ाई और चेकिंग अभियान के तहत थाना सम्मनपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुर्की बाजार के पास दो लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों लोगों को पुलिस थाने लेकर आई। तब तक पुलिस को भी नहीं पता था कि जिन दो लोगों को उठाया गया है उसमें एक राजभर की पार्टी का नेता है। पुलिस भी अपना काम तेजी से कर रही थी। दोनों के पास से पुलिस को 7 किलो 150 ग्राम गांजा मिला। हालांकि गांजे को पुलिस ने जब्त किया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में से एक अपना नाम अशोक यादव बता रहा है और खुद को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता बता रहा है। जब पुलिस द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि अशोक एसपी का प्रदेश महासचिव है। 26 जुलाई 2023 को उसे पार्टी में यह पद दिया गया, लेकिन पुलिस को तो परेड करानी ही थी और बकायदा मीडिया वाले पहुंचे और दोनों को साथ में खड़ा कर हाथों में गांजा थमा दिया गया। फिर बकायदा शूटिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। फिर पुलिस ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया, लेकिन नेताजी की इस हरकत की चर्चा चारों तरफ है।